होता है, कौम किसी बड़े लीडर को सुनने जाती है। आज इमरान खान, मैं एक नई बात कर रहा हूं, आज इमरान खान जेल में है, लेकिन हजारों लोग इमरान खान के बगैर इस जलसा आम में उसकी मोहब्बत के लिए, उसके चाहने के लिए आए हैं। ये पैगाम है मुख्तदर हलकों को, ये पैगाम है ताकतवर हलकों को कि अगर तुम जमहूरियत चाहते हो, जमहूर की आवाज का ख्याल रखना चाहते हो, इस मुल्क को मजबूत चाहते हो, वफाक को मजबूत चाहते हो, क्योंकि पहले ही दो सूबे इंतशार बदमनी दहशतगर्दी का शिकार हैं और बाकी पूरा पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेकाम और महंगाई का शिकार है। ऐसे में अगर सुन लो हुक्मरानों, सुन लो ताकतवर लोगों, इनकलाब अपने दहाने पे खड़ा है, अवाम तैयार हैं, लोग घरों से निकल आए हैं, आज ये तैयार हैं कि हमें आप कॉल दें और हम अडियाला जेल चलें, लेकिन हम अडियाला जेल जाएंगे, जरूर जाएंगे, जब हमारा लीडर रिहा होगा और आपकी ताकत से जेल का ताला खुलेगा। तो मेरी यही अपील है, दस्त बस्ता अपील है, खुदारा अगर आप इस मुल्क को चाहते हो, इस मुल्क को बचाना चाहते हो, मजबूत वफाक चाहते हो, तो इमरान खान आपकी जरूरत है, इमरान खान इस मुल्क की जरूरत है, इमरान खान इस कौम की जरूरत है। आज इस जलसाएगा में पंजाबी भी है, पख्तून भी है, सिंधी भी है, बलोच भी है, कश्मीरी भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है। तो इमरान खान वो लीडर है जो कायद आजम मोहम्मद अली जिना के बाद 75 साल सियासी तारीख में मुल्क का सबसे बड़ा मकबूल लीडर है। आज इमरान खान जुल्फकार अली भुट्टो से भी बड़ा लीडर है। तो खुदारा हुक्मरानों, होश के नाखिल लो, ये ना हो कि ये मुल्क टूट जाए मेरे मुंह में खाक, ये ना हो कि अवाम सब कुछ अपने हाथों में ले लें। लिहाजा इस जमूर की आवाज़ को सुनो, इस जमूर की आवाज़ को सुनो। आखिर में मैं दो नारे लगवाऊंगा, आप कहेंगे इमरान खान, आप कहेंगे इमरान खान, पंजाब भी बोले, इमरान खान पंजाब भी बोले, पंजाब भी बोले, खैबर पख्तूनख्वा भी बोले, खैबर पख्तूनख्वा भी बोले, सिंध भी बोले, सिंध भी बोले, बलोचिस्तान भी बोले, बलोचिस्तान भी बोले, कश्मीर भी बोले, कश्मीर भी बोले, गिलगित बल्तिस्तान भी बोले। वजीर आजम जब भी जन दे लरा जमुन का कदरदान।